हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए जो है आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको। दिया हुआ यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका जो है सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है आपको दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x इक्वल किसके, 6 के दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर आपको निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान। और ये कब आएगा, यदि हम क्या कर दें इन दोनों पक्षों क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। क्या कर दें हम, इसका स्क्वायर कर दें तो ये हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए यहाँ लिखिए हम दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो जाएगा x माइनस 1 बटे x का स्क्वायर जाएगा बराबर कितना होगा, 6 का स्क्वायर। अब क्या करिए कि जो x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर है इसको आप तोड़ दीजिए a माइनस b के होल स्क्वायर पर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी पर ये टूटेगा, इसमें a का मान है x और b का मान है 1/x। तो चलिए इसका हम विस्तार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसका विस्तार करेंगे तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर माइनस होता है 2 इंटू x, x इंटू जाएगा 1/x। और देखिए बराबर है कितना जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36। यहां से देखिए x क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस आपका क्या है 2 है और बराबर आपका 36। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस 2 है क्या करिए कि इसको आप पक्षांतर विधि से बराबर के उस साइड ले जाइए। तो यहाँ पर यदि माइनस है तो यह इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ पर प्लस रहता तो जाकर इस साइड हो जाता माइनस हो जाता। तो पक्षांतर विधि से क्या करिए कि माइनस टू को ले उस साइड तो आप मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 36। और देखिए माइनस टू है तो हो जाएगा आपका प्लस 2। तो यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर, देखिए 36 प्लस 2 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। यही आपने पूछा था कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान किसके बराबर है और किसके बराबर है। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा हम इस प्रकार से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो दिया था आपको x माइनस 1 अपॉन x बराबर किसके, 6 के। तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद क्या मिल गया आपको, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान मिल गया और किसके बराबर ये है, 38 के बराबर। इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। इसी पर देखिए एक और सवाल, यदि यहाँ पर हम क्या लिख दें, यदि हम यहाँ पर लिख दें
देखिए यहाँ पर a प्लस वन अपॉन a लिख दिया जाए और यहाँ पर भी आपको क्या लिख दिया जाए a लिख दिया जाए, यहाँ भी बना लिया a और यहाँ पर भी बना दिया जाए a। देखिए ये क्वेश्चन क्या बन गया है, क्वेश्चन बन गया यदि a प्लस वहां पर क्या था माइनस था, अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं, तो जाएगा a प्लस वन अपॉन a इक्वल किसके सिक्स के हो तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम उसी प्रकार हम इसको करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे a प्लस वन बाई ए बराबर किसके छह के, क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर और ये बराबर जाएगा छह का स्क्वायर, फिर वही वो टूटा था a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, लेकिन यह टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो इसको जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस जाएगा टू इंटू ए इंटू वन बाई हो जाएगा ए, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यही होता है बराबर, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका छत्तीस, देखिए ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस दो बराबर किसके छत्तीस के। अब देखिए वहां पर आपको क्या मिला था माइनस टू मिला था, तो माइनस टू को हम पक्षांतर विधि से बराबर के उस साइड ले गए थे तो माइनस से प्लस हो गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है प्लस टू है, क्या है प्लस टू है, तो जब हम प्लस टू को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस से माइनस, तो आप लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर आएगा छत्तीस माइनस दो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर किसके मिलेगा आपको चौंतीस के, तो उसका आंसर आया था अड़तीस, इसका कितना आ गया चौंतीस आंसर। तो इस प्रकार का जो भी आपको सवाल देगा आप इसी प्रकार से हल कीजिएगा, किस प्रकार से इसी प्रकार से आप क्या करेंगे उसको सॉल्व